अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कतर में रहते हो और कतर के अंतरिन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्कोप का पूरा देखिए। चैनल पर नए हो या फिर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा फ्री में दोस्तों मिलती रहे। तो साथियों, आज के वीडियो में दोस्तों मैं सबसे बड़ी अपडेट्स आपको मैं सुनाने वाला हूं। साथियों, पाकिस्तान ही भाई जितने भी कतर में काम करते हैं या काम करने जाने वाले हैं तो उनके लिए वहां पे नई ट्रैवल पॉलिसी को वहां पे इशू किया गया आज के दिन। इंडिया में दोस्तों क्या ट्रैवल पॉलिसी की इशू किया गया था इसके बारे में दोस्तों मैं कल रात की वीडियो में आपको मैं बता चुका हूं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको पाकिस्तान की ट्रैवल पॉलिसी के बारे में बताऊंगा। कुछ कंपनियों को वहां पे शटडाउन किया गया यानी बंद किया गया, इसके बारे में कुछ खबर है और भी कुछ खबरें साथियों आ रही जो कि आपके लिए जानना काफी जरूरी है। सारा डिटेल इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। यदि फिर भी आपको कोई मन में आपके सवाल हो जॉब के बारे में, फ्लाइट के बारे में, वीजा के बारे में, टिकट के बारे में, किसी तरह की आप जानकारी चाहते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम की आईडी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगी, तो वहां पे जाके मुझे क्लिक करके मुझे फॉलो कर लीजिए। तो चलिए साथ ही वीडियो को शुरू कर लेते, जान लेते सबसे पहली खबर कतर से क्या आ रही है। तो सबसे पहली खबर दोस्तों जो कतर से आ रही, साथियों बताना चाहूंगा जितने भी पाकिस्तानी लोग हैं जो भी कतर में अभी काम कर रहे हो या फिर कतर अभी जाने के बारे में सोच रहे हो, तो यदि आप वैक्सीनेटेड हो, कतर एमओपीएच की तरफ से जो वैक्सीन को अप्रूव किया गया है, यदि आप वैक्सीनेटेड हो, वैक्सीन ले लिए हो, तो आपको वहां पे 2 दिन की होटल क्वारंटीन वहां पे आपको रहना पड़ेगा। 2 दिन के होटल क्वारंटीन आपको रहने के साथ साथ वहां पे 72 घंटे का पीसीआर सर्टिफिकेट आपको शो करना पड़ेगा। और 2 दिन जब क्वारंटीन आपका कंप्लीट हो जाएगा वहां पे आने के बाद, तो आपको वहां पे एक रैपिड बॉडी एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। तो दोस्तों चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का आप हो, आपको ये सारी चीजें करवानी पड़ेगी। दूसरा दिन जब एंटीबॉडी टेस्ट किया जाएगा तो जैसा आपका रिपोर्ट आएगा उस हिसाब से दोस्तों आपको छोड़ा जाएगा। यदि आपका सब रिपोर्ट सही आता है तो आपको छोड़ दिया जाएगा दोस्तों, ये वैक्सीनेटेड लोगों के लिए। अब यदि कोई लोग अनवैक्सीनेटेड यानी आपने वैक्सीन नहीं लिया है, तो जो लोग पाकिस्तान से यदि अनवैक्सीनेटेड लोग हैं यदि कतर में जाते हैं, तो उन लोगों को वहां पे 7 दिन की होटल क्वारंटीन रहना पड़ेगा। 7 दिन की होटल क्वारंटीन के साथ साथ आपको वहां पे 2 दिन का बहत्तर घंटे का पीसीआर सर्टिफिकेट को शो करना पड़ेगा। और 7वें दिन जब होटल क्वारंटीन जब कंप्लीट आपका हो जाएगा, तो 7वें दिन आपका रैपिड बॉडी एंटीजन टेस्ट आपका करवाया जाएगा। तो जैसा आपका रिपोर्ट आएगा उस हिसाब से दोस्तों आपको वहां पे छोड़ा जाएगा या फिर नहीं छोड़ा जाएगा। तो दोस्तों यह हो गया अनवैक्सीनेटेड लोगों के लिए। अब यदि कोई भी पाकिस्तानी विजिटर यदि कोई कतर जाते हैं जो कि प्री अप्रूव्ड ऑन अराइवल वीजा के साथ जाते हैं, यदि वो लोग अनवैक्सीनेटेड है तो उनको वहां पे एंट्री नहीं अलाउड है, यानी दोस्तों उन लोगों को एंट्री नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों ये सभी पाकिस्तानी भाइयों के लिए ये ट्रैवल पॉलिसी जो है वो इशू किया गया। तो जो लोग भी यहाँ पे ट्रैवल करने वाले हैं ये आप ही लोगों के लिए था। अब दोस्तों चलते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर साथियों जो आ रही है वो आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर तरफ से, यानी एमओआईटी तरफ से आ रही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर तरफ से बताया गया कि आज के दिन वहां पे 24 घंटे के अंदर मास्क ना पहनने के लिए 224 लोगों को पकड़ा गया है। एतराज एप्लीकेशन अपने मोबाइल पर डाउनलोड या फिर एक्टिवेट ना करने पर लगभग 16 लोगों को पकड़ा गया है। और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने के लिए लगभग 53 लोगों को वहां पे पकड़ा गया है। तो दोस्तों सभी लोगों को लगभग वहां पे 300 लोगों को पकड़ा गया है कोविड-19 के बनाए गए नियमों का उल्लंघन करने के लिए। इन्फेक्शन डिजीज फैलाने के जुर्म में देश में गिरफ्तार किया गया है। सभी पे वहां पे जुर्माना लगाया जाएगा। यदि वो लोग जुर्माना को नहीं भरते तो उन लोगों को जेल भी जानी पड़ सकती है। अब साथियों चलते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ की तरफ से आ रही है। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ की तरफ से बताया गया है कि किसी को भी दोस्तों ओमिक्रॉन नाम का वायरस की यदि थोड़ा सा भी सिम्टम्स आपको यदि महसूस हो रहा है, तब तुरंत आप लोगों को खुद से आइसोलेट करने की वहां पे बात की जा रही है। एक तरह का रिक्वेस्ट किया गया है। यदि आपको ऐसा कैसा ही महसूस हो रहा है, लो ग्रेड फीवर हो या फिर आपका नाक बह रहा हो या फिर आपको उल्टी ऐसा लग रहा हो या फिर टेस्ट या फिर स्मेल आपका चेंज हो चुका हो, सर में दर्द हो रहा हो, वोमिटिंग ऐसा लग रहा हो, ये किसी चीज का यदि आपको ऐसा फील हो रहा है तो तुरंत आप अपना जांच करवाएं। जांच कराने के साथ साथ तुरंत आप आइसोलेट हो जाएं और कम से कम लोगों से मिले, दूरी बना के रखें, क्योंकि इससे क्या होगा, आप भी सुरक्षित रहोगे, आपके घर परिवार भी सुरक्षित रहेगा और पूरा देश सुरक्षित रहेगा। तो ये रिक्वेस्ट एमओपीएच की तरफ से सभी कतरी से और सभी एक्सपर्ट से ये किया गया है। अगली खबर की ओर चलते हैं साथियों। अगली खबर साथियों जो आ रही है वो वकूत की तरफ से आ रही है। वकूत की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया है कि वर्किंग आवर को वहां पे फाइस स्टेशन में और मसमीर स्टेशन में दोस्तों चेंज किया गया अगले संडे यानी 16 जनवरी 2022 से। तो दोस्तों इसकी टाइमिंग होगी सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक टाइमिंग होगी साथियों। और जो गेट जो बंद होगा और लास्ट जो एंट्री होगी वो 5:45 में होगी। तो साथियों 16 जनवरी से जितना भी वहां पे फाइस स्टेशन है और जो एक स्टेशन है मसमीर है, उन सभी में 16 जनवरी से टाइमिंग 6 बजे, सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक होगी। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट्स थी, कुछ खबरें थी जो कतर से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों, साथ शेयर कर दे ताकि और भी लोग को इसकी जानकारी हो सके। मिलते साथियों नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।